हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्राउनियन मोमेंट 2010 को। ये मूवी साल 2010 में आई एक डॉक्टर की कहानी है जो अपने हर मेल पेशेंट के साथ हुआ करती थी इंटीमेट, पर फिर भी उसका मन नहीं भरता था और लास्ट में वो हमारे देश इंडिया ही आ जाती है। तो ये सब उसके साथ कैसे हुआ ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। बस दोस्तों, लास्ट तक चलने से पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ये शेयर वाली घंटी जरूर दबाओ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रूम दिखाया जाता है और उस रूम में एक हॉट एंड सुंदर लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम सैरोलेट होता है और ये एक डॉक्टर है। असल में यही लेडी इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है। ये इस रूम को किराए पे लेने के लिए देख रही है और जब इसको ये रूम पसंद आ जाता है तो ये इस घर के मकान वाले को एडवांस दे देती है, जिसके बाद ये उसी घर में नहा धोकर अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए जाती है। पर स्कूल में उसका बच्चा खेलने के बाद नहा रहा था तो इसलिए उसको वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है और फिर रात में वो अपने बेटे को स्टोरी सुनाती है और उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सुबह सैरोलेट अपने पति मैक से बोलती है कि मुझे कल एक क्लिनिक पर जाना है तो क्या तुम कल बेल्जियम को स्कूल से ले आओगे, जिसपे उसका पति बोलता है जी हाँ ले आऊंगा उसको कल स्कूल से। जिसके बाद मैक्स और सैरोलेट दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर एक दिन सैरोलेट जब अपने काम पे होती है तो वहाँ एक नर्स आती है जो सैरोलेट से बोलती है एक पेशेंट आया उसकी प्रॉब्लम चेक कर रही है, जिसके बाद सैरोलेट नर्स से वहाँ से जाने को बोलती है और खुद सैरोलेट उस पेशेंट के साथ चेकिंग के बहाने हो जाती है इंटीमेट। और ये आदमी काफी जंगली था, इसकी पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा बाल थे। और फिर वो फ्रेश होकर वहाँ से अपनी एक मीटिंग लिए चली जाती है जहाँ वो अपने सीनियर से कुछ डिस्कस करते हुए दिखाई जाती है। और फिर अगले दिन हॉस्पिटल में एक और पेशेंट आता है जिसे नर्स चेक कर रही थी, पर तभी सैलेड राउंड मारते हुए वहाँ आती है और वो उस पेशेंट को देखती है और वो पेशेंट भी सैलेड को घूरता है, जिसके बाद सैलेड इस बार भी उस नर्स को वहाँ से जाने को बोल देती है और उसका ट्रीटमेंट अपने हाथों से करने लगती है, जिसके बाद सैलेड इसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। और इस तरह ये हर दिन एक नए आदमी के साथ होती है इंटीमेट। दरअसल ये अपनी भूख मिटाने के लिए अपने पेशेंट का यूज करती है। और मूवी के स्टार्टिंग में ये जो रूम लेते हुए दिखाई देती है ये इन्हीं सब कामों के लिए उस रूम को देख रही थी। और अगली बार तो हद्दी हो जाती है, मतलब तीसरी बार जब इसके पास एक थलथल सा आदमी आता है, मतलब काफी मोटा आदमी, जिसे ये अपने क्लिनिक से रेंट पे लिए हुए कमरे पर ले जाती है और वहाँ जाकर उसके साथ भी होती है इंटीमेट। असल में इसने वो रूम लिया ही इसीलिए होता है। और फिर रात में घर जाके ये अपने हस्बैंड के साथ भी होती है इंटीमेट ताकि उसे उस पर शक ना हो। और फिर कुछ दिनों बाद सैरोलेट अपनी फैमिली के साथ जाती है एक वैकेशन ट्रिप पे और उस ट्रिप पे भी सैरोलेट और मैक्स दोनों दोबारा से इंटीमेट होते हैं। और वैकेशन से वापस आने के बाद सैरोलेट अपने क्लिनिक जाती है जहाँ इस बार वो एक बूढ़े आदमी के साथ होती है इंटीमेट, जिसके बाद मैक्स और सैरोलेट बेल्जियम के स्कूल जाते हैं उसकी पीटीएम थी इसलिए। और फिर एक दिन सैरोलेट घूमते हुए एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर जाती है, पर दुर्भाग्य से यहाँ मैक्स काम कर रहा होता है क्योंकि मैक्स एक आर्किटेक्ट होता है। और जब सैरोलेट बिल्डिंग में घूमने के बाद वापस आ रही होती है तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है तो वो आदमी सैरोलेट से बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। असल में ये आदमी भी सैरोलेट के क्लिनिक में एक बार हो चुका था उसके साथ इंटीमेट, तो इसलिए इसे सब याद होता है। पर जैसे ये आदमी उसके पास आता है सैरोलेट उसे बहुत जोर से मारती है, पर एक दिन तो सैरोलेट को उस पर दया आती है तो वो उसे उठाने के लिए झुकती है पर दोबारा से जोर से मार देती है, जिसके बाद सैरोलेट अपने आप से बेहोश हो जाती है। और तभी सैरोलेट की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और उसके पास उसका हस्बैंड मैक्स बैठा होता है। और तभी इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और पार्ट 2 के स्टार्टिंग में सैरोलेट एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और वो साइकोलॉजिस्ट पूछती है क्या मैं ट्रीटमेंट शुरू करूँ। सैरोलेट साइकोलॉजिस्ट के पास अपने हस्बैंड के कहने पर आती है। दरअसल उस बिल्डिंग वाले हादसे के बाद मैक्स को सैरोलेट के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है और उसे लगता है कि सैरोलेट की दिमागी हालत सही नहीं है, तो इसलिए वो खुद को एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने को बोलता है, जिसके बाद सैरोलेट यहाँ आती है। जिसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट सैरोलेट से पूछती है कि आप अपने हस्बैंड मैक्स और जिन आदमियों के साथ आप इंटीमेट हुए हैं उन दोनों लोगों में अंतर बता सकते हैं। जिसपे सैरोलेट बोलती है कि मैक्स एक बहुत अच्छा आदमी है और मुझे मैक्स को टच करना अच्छा लगता है। जिसके बाद मैक्स सैरोलेट से पूछता है कि तुमने वो रूम रेंट पर क्यों लिया है, पर सैरोलेट के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता तो इसलिए वो चुपचाप रहती है। फिर अगले दिन सैरोलेट साइकोलॉजिस्ट को बताती है मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट पे किसी ने हाथ रखा हुआ है और मुझे काफी अच्छा लगा तो इसलिए मैं बिना सोचे समझे उसके साथ इंटीमेट हो गई। तो डॉक्टर पूछती है कि उसका फेस कैसा था, जिसपे सैरोलेट बोलती है कि मुझे नहीं पता मैंने उसका फेस नहीं देखा। जिसके बाद डॉक्टर सैरोलेट से पूछती है कि तुमने ऐसे ही आदमियों को क्यों सिलेक्ट किया जिनमें कोई ना कोई कमी थी, मतलब किसी के बाल बड़े थे, कोई मोटा था, कोई बूढ़ा था, इस तरह के लोग। जिसमें सैरोलेट बोलती है कि मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों किया। और तभी वो वहाँ से बाहर आकर बैठ जाती है जहाँ वो थोड़ी स्माइल करते हुए दिखाई देती है। और यहाँ दूसरी तरफ सैरोलेट के हॉस्पिटल वालों ने सैरोलेट पर केस किया हुआ था तो इसलिए उसे अगले दिन कोर्ट जाना पड़ता है।
जहाँ जज चार्लेट की दिमागी मानसिकता को सही नहीं पाता, तो इसलिए कुछ चार्लेट की डॉक्टर की डिग्री कैंसिल कर देता है। और ये सब कुछ देखकर मैक समझ जाता है कि उसकी वाइफ की दिमागी हालत सही नहीं है, तो इसलिए उसने जाने अनजाने ये सभी गलत काम किए हैं, जिसके बाद मैक्स भी उसे माफ कर देता है। और तभी यहाँ पार्ट टू खत्म हो जाता है। और पार्ट थ्री के स्टार्टिंग में हमें चार्लेट और मैक्स दोनों इंडिया में दिखाए जाते हैं, जहाँ इनके दो पीस हो चुके होते हैं। फिर अगले दिन चार्लेट मैक्स की कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करती है, जहाँ वो एक फ्लोर पे खड़े होकर एक आदमी से बात कर रही होती है, तो मैक्स उसे नीचे से देख रहा होता है। और मैक्स को इस बार उन दोनों में कुछ गड़बड़ नहीं लगती। फिर अगले दिन दोबारा से जब चार्लेट मैक्स की साइड पर जाती है, तो गार्ड चार्लेट को बोलता है कि आज साइड बंद है, यहाँ कोई नहीं है। पर चार्लेट गार्ड को समझाकर अंदर चली जाती है। और तभी मैक्स घर आता है, तो वो घर पे चार्लेट को नहीं पाता, तो वो अपनी मेट से पूछता है कि मैडम कहाँ है, जिस पर नौकरानी बोलती है कि मैडम अभी बाहर गई है। तो चार्लेट पूछता है कि मैडम इसी टाइम रोज बाहर जाती है, जिस पर नौकरानी बोलती है हाँ मैडम इसी टाइम डेली बाहर जाती है। जिसके बाद रात को मैक्स चार्लेट के साथ इंटीमेट होता है, और इंटीमेट होने के दौरान चार्लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिस पर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल मैक्स को अभी भी चार्लेट पर शक होता है कि यहाँ भी उसका कोई अफेयर है। और फिर अगले दिन ठीक उसी समय जब चार्लेट घर से निकलती है, तो मैक्स भी उसका पीछा करने लगता है। और जब चार्लेट उस बिल्डिंग में अंदर घुस जाती है, तो मैक्स भी वहाँ जाता है और देखता है कि चार्लेट यहाँ अकेले चुपचाप बैठी हुई है। जिसके बाद मैक्स को मन ही मन बहुत बुरा फील होता है कि मैंने अपनी वाइफ के बारे में गलत गलत सोचा। और फिर रात को मैक्स चार्लेट के साथ रिग्रेट वाली फीलिंग के साथ चार्लेट से इंटीमेट होता है और उसे काफी शिद्दत से प्यार करता है। फिर अगले दिन मैक्स और चार्लेट एक ट्रिप पे घूमने के लिए जाते हैं, और इस तरह इस मूवी का एंड यही हो जाता है। तो